सर अरे एक अरे पीछे रह के कर लो अरे बाकी पीछे आ जाओ पीछे यार मैं देखदा मैं देख मेरे के सारे आगे ने आएंदे सारे दे के होने यार मेरे वीर मैं तो उधर जान दे मेरे आगे आके मैं की करा इधर दिख नहीं रहा जी थोड़ा के आ जाओ भाई भाई इटा लाइसो के पर कैमरा थोड़ा ध्यान गगन आए नहीं हां धन गुरु रामदास महाराज के चरणों में बेनती करना आई सी कि इस सुखी वसदे पंजाब नूं जिहड़ा उजाड़िया जिहड़ा नशियां दे लाह ला के जिथे अज नौकरियां नहीं ने कैंसर की ट्रेन चलती है जिथे अज पंजाब तरक्की च पिछे चला गया नंबर 1 सूबा 23वें नंबर का सूबा बन गया वो पंजाब जिथे ठेके घर हर पिंड च खोलते पिंड घट ने स्कूल घट ने ठेके ज़्यादा ने उस जिहड़े पंजाब नूं तबाह किया इन्होंने 1,35,000 करोड़ का करजा चढ़ाता वाल वाल विन्निया होया अज किसान खुदकुशियां दी राह ते पै चुका है। उस पंजाब नूं बचाउण दे लई सतगुरु सच्चे पातशाह अगे अरदास करन आए सी इह सेवा तुसीं आप लवो आप वरतो ते जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी भी बेदमियां कीतियां ने इन्हां दा जुल्मी राज दी जद तक जड़ पुट नहीं लेंदे असीं चैन नाल नहीं बैठांगे। ये आशीर्वाद थापड़ा सी गुरु साहब तो लैण लई आए सी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी के जिम्मेदार सीधे तौर पर इत्थे दी सरकार है, इत्थे दा होम मिनिस्टर है। क्यों उसने जदों प्रोटेस्ट होया 2 सिंघां नूं उहने गोलियां मार दित्तियां, अज तक कोई फड़िया नहीं गया, अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये होम मिनिस्टर की सीधे तौर पर गलती है। जे सरकार शामिल नहीं सी, इन्हां दे बंदे शामिल नहीं सी, तो अज तक उन्हां नूं फड़ क्यों नहीं सके, उन्हां दा कोई इन्हां नूं नामो निशान क्यों नहीं मिलिया। भावें दूजे कांड होण तां किसे नूं फड़ लैंदे है। हुण एक RSS दे बंदे नूं गोली लगी, इन्हां ने कोई ना कोई फड़ने शुरू कर दित्ते, इनाम नूं भी रखे। फिर जदों दूजा कांड होया उहदा तुहाडा कुरान शरीफ वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਲੱਭਣ लग पे, ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ भी ਲਾਤੇ। पर ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ वाला ਕਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। दूजी गल झूठा ही किसी को फड़ा के वो शाबाशी लवेंगे। इन्होंने मुंडे फड़ भी ले, पर जो संगत ने रोस किया पता लगा वो निर्दोष सी, वो छड्डने पे तो वो चाल इन्हों पुठी पै गई। लोग सर्व सांझीवालता के खिलाफ ने, जेडे भी पंजाब के अमन चैन को अग लाना चाहते हैं, उन्होंने खुश करना चाहते हैं। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब च अपनी शमूलीयत बढ़ाने वाले है। मेरे नाल उन्होंने गल हुई सी, वो लुधियाने तो फगवाड़े दे विच एक सेंटर पॉइंट एकोमोडेशन है, घर नहीं एक टिकाणा जिथे आ जान तो 3-4 दिन टिक सकन तो मूव कर सकन, ऐसी थां लभ रहे हैं। तो बहुत जल्दी तुहानूं दी जानकारी दे दी जाएगी, तो शायद अगले महीने कोई ना कोई थां असीं लभ लांगे। ये सिद्धू साहब नूं तय करना है जी, साडी सीधी सीधी पार्टी है, सीधिया सीधिया गल्लां है। उन्हां सीधिया सीधिया गल्लां दे उत्ते ओह आ जाणगे, उन्हां ने समा मंगिया है तो सिद्धू साहब आ सकदे। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ CM ਹੈ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ CM ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ CM ਬਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। जे कोई नाराजगी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म के उत्ते जरूर क्या गल करन, ते साडे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लोकतंत्र दे विच माड़ियां मोटियां नाराजगियां चलदियां रहंदियां हुंदियां, सानू पूरी यकीन है असीं मना लवांगे। ते साडे दरवाजे खुले है जी, ते डिसिप्लिन एक जाबता कायम रखना जरूरी है। और ਮੈਨੂੰ लगता है कि माड़ी मोटा रोसा चलता रहता है पर डिसिपलिन के उत्ते जरूर पैरा देना चाहिए। ये नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं पुछो, शर्तां ना असीं लाउने आ ना ओह लाउने, पर शर्तां नाल पार्टी 'च कोई नहीं आउंदा। साडीआं पार्टी दे कुछ सिद्धांत ने असीं उन्हां नूं दस दित्ते। आम आदमी पार्टी 'च आम बंदा बन के कोई रह सकदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਨਸਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਆਰੋਪ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣੀ दुश्मनी करके लाई जाओ, उन्होंने नहीं मानते।